Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel, Divinity Tarot, Six Foot Truth, Always Exposes Darkness. तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से खुशियाँ आने वाली है. Of course, who and what is coming in your life. So of course, it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए अच्छा हो, ऐसे ही आप करें, इनके फ्यूचर में वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहे और वो बहुत ज़्यादा लकी साबित हो, यही मैं दुआ करती हूँ. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं और क्या आने वाला है. सो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जैसा कोई ईगल या कोई इस तरह से कोई बर्ड का पिक्चराइजेशन मुझे नज़र में आ रहा है. सो ऑफकोर्स आपको कोई रुकने वाला है नहीं, ठीक है, आपके लिए पूरी तरह से आज़ादी होगा. ठीक है, अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं पे एक जहर जैसा बन चुका है, ठीक है, जहर कोई भी निकलना नहीं चाहता क्योंकि सबको पता है वो मृत्यु की कारण होती है. सो जीवन है जीने का, मृत्यु होगा बट बाद में, अभी हम जिंदगी को जीना है. ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सारी घटनाएं जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है उससे आपको आज़ादी डेफिनेटली मिल रहा है. अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा था कि मेरा हेल्थ बहुत दिनों से अच्छा नहीं जा रहा है, सो आई डू फाइंड दैट यस यू आर गोइंग टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन. आप बहुत ही अच्छा सा दवाई ले रहे हैं या आपके घर परिवार में कोई हो सकता है बीमार थे लेकिन उनकी हेल्थ में आप देख रहे हो बहुत अच्छा सा बदलाव यहाँ पे आ रहा है. आई डू फाइंड लाइक दैट. यहाँ पे एक डॉग की सिंबल भी मुझे दिखाई दे रहा है. सो हो सकता है कि आप एक पेट लवर हैं. सो हो सकता है कि आप लास्ट टाइम जब पेट को लिए थे आप उसका प्रॉपरली देखभाल नहीं कर पा रहे थे या वो आपको लग रहा था कि नहीं मुझे और एक पेट ले लेना चाहिए ताकि मेरे जो पहले वाला पेट है उसको भी एक साथ ही मिल जाए और घर में भी खुशी का माहौल रह जाए. क्योंकि पेट के वजह से ना बहुत यू कैन से लाइक दैट कि इस तरह से होता है कि वो लोगों के अंदर और भी अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो एनिमल स्पिरिट इज़ वंडरफुल फॉर यू. अगर आप पेट्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट डॉग्स, बट कोई भी अगर पेट रखे तो बहुत अच्छा रहेगा. आने वाले समय में आप रखेंगे भी. सो सदैव बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसके लिए ग्रीट करें, वेलकम करें और कहीं ना कहीं पे जो है ना उसके रिलेटेड आप वीडियोस पोस्ट करें, वीडियोस उससे रिलेटेड आप कोई ब्लॉग बनाएं. ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ऑल राइट, सो आई डू फाइंड कि जैसे कुछ लोग हैं जो चक्रव्यूह में आपको फंसाना चाहते हैं लेकिन वो कुछ कामयाबी तो उनका होगा नहीं, बिकॉज जितना भी वो कॉन्स्पिरेसी करेंगे, जितना भी वो आपके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे या आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे, उनका नाकामयाबी होना ही है. दे आर बाउंड टू गेट द फेलियर मैसेज बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट दे विल बी सक्सेसफुल. ठीक है, क्योंकि आपको अगर कोई हर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आप अगर हर्ट हो भी रहे हैं किसी के बर्ताव से, सो जान के रहिएगा कि उसका इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है और आने वाले समय में आप बिल्कुल केयरफुल रहना इस सारे रिलेशनशिप से. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक पार्टी में आप ऑफकोर्स जाएंगे लेकिन वो एक सरप्राइज पार्टी ही होगी. आप शायद पहले कोई डिसाइड ही नहीं करोगे उस पार्टी में जाने का, मे बी आपका कोई प्लान नहीं होगा या मूड नहीं होगा. शायद आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करेंगे कि चल पार्टी में चल, शायद आप बोल दोगे, डिनाई कर दोगे, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कोई शायद एक ऐसे दोस्त जो आपको मना पाएंगे और जब आप उस पार्टी में जा रहे हैं जैसे होता है ना ऑल ऑफ अ सडन यू आर गोइंग टू मीट अ स्पेशल पर्सन जिनके साथ आपका बहुत लंबा बात होगा. शायद अपने फ्रेंड्स को छोड़ के उसी के साथ आप बात करना शुरू कर दें एंड धीरे धीरे नंबर्स एक्सचेंज होंगे, धीरे धीरे आप उनके साथ
ठीक है, बहुत ही लंबा लंबा चैट में आप इन्वॉल्व होंगे और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप मुझे दिखाई दे रहा है ये कन्वर्ट होगा लव में या ऑलरेडी हो चुका है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे देखो एक फ्लावर बुके जैसा बन रहा है, यहाँ पे एक ऐसा स्टेम और यहाँ पे सारे फ्लावर्स। सो मुझे दिख रहा है आपको ग्रीटिंग्स मिल सकता है, विशेस मिल सकते हैं, आपकी मे बी बर्थडे आ रही होगी या आपकी एनिवर्सरी आ रही होगी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं। सो कहीं ना कहीं पे आप, हो सकता है कि आपकी जॉब में आपकी प्रमोशंस हो रही है, आपका जो रैंक है वो बढ़ रहा है, आपके नाम पे केबिन है, ठीक है, और ऑफिस में चेयर्स हैं, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, वट एवर बी इट इज़, आपको सेपरेटली यूज़ करने दिया जा रहा है कुछ फैसिलिटीज़ में भी आपके पार्टनर का, तो उस सक्सेस पार्टी को आप अपने घर में, ठीक है, रख रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कुछ सीक्रेट प्लान्स भी आप बना रहे होंगे फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, शायद वो राज आप किसी के सामने नहीं लेके आओगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत दिन हो चुका है कि आप कोई ऐसी जगह पे गए नहीं हैं, बट आई फाइंड यू गोइंग टू द नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन ऑफ योर कंट्री। आप कहीं पे भी रहो नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में शायद आप जाने वाले हैं या आप वहाँ पे रहते हैं, आप अपने देश का देखना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सेक्शन ऑफ योर कंट्री, एंड मे बी यू वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड या आप दूसरा स्टेट ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि आपको घूमना है, ठीक है, एक्सप्लोर करना है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई फील लवली अबाउट इट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे वट वृक्ष ही है, जैसे वट वृक्ष के सामने आप कोई दिया जला रहे हैं या प्रदीप जो भी है आप पूजा कर रहे हैं, आपको शायद बोला है किसी ने करने के लिए, एंड यू आर डूइंग इट विथ फुल रिचुअल्स, ठीक है, यू आर डूइंग इट विथ फुल रिचुअल्स। सो आई डू बिलीव लाइक दैट कि अगर आप भक्ति से कर रहे हैं कुछ पूजा अनुष्ठान इस तरह से, मे बी आप बाहर रख रहे हो, यज्ञ हो सकता है, यज्ञ में शायद आप पार्टिसिपेट करो और उसका जो रिजल्ट है इट विल बी मैग्निफिशेंट। शायद आप फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप करो इन फ्यूचर, ठीक है। सो आई डू थिंक सो दैट इट विल गिव यू बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स। यहाँ पे एक पक्षी है, छोटा सा पक्षी, ठीक है। सो आई डू फाइंड जिस तरह से बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है, एक खुशखबरी लेके आना, ठीक है, उस तरह से दिख रहा है। बर्ड्स ऑलवेज ऑटोमेटिकली डिनोट कम्युनिकेशन, इसलिए ट्विटर है, राइट, ट्विटर ऑलवेज मीन्स कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे ट्वीट हो सकता है कि आप कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स रखे ट्विटर के ऊपर, लोग आपके स्टेटमेंट्स को पढ़े, उनको बहुत हौसला मिले, आप में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपके कम्युनिकेशन के जरिए ट्विटर है या कोई ऐसा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी जो स्टेटमेंट्स है वो स्ट्रांगली रखें, राइट। सो बहुत सारे लोग आपके ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, बहुत कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये देखो यहाँ पे भी आई डू फाइंड किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी बातचीत हो सकती है जिनके कान थोड़ा बाहर की तरफ है और पॉइंटेड नोज है, शार्प फीचर्स है। आई डू फाइंड एक सोफा सेट भी मुझे दिख रहा है, सो मे बी वेरी प्लश फर्नीचर्स, ठीक है, आप शायद कोई फर्नीचर शोरूम में जाओगे अपने घर के रिनोवेशन के लिए, आप देखोगे कि इंटीरियर किस तरह से चेंज हो सकता है, बट कम बजट में ही आप देखने की कोशिश करोगे, लेकिन होते होते बहुत ज़्यादा खर्चा हो ही जाएगा। आई डू फाइंड लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो कमिंग फॉर यू, बहुत खर्चा हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप उस खर्चे को मतलब किस तरह से हैंडल करते हो। आई डू फाइंड अ मैन और वुमेन सिटिंग इन अ मेडिटेशन और योगा पोज, तो मुझे दिख रहा है हो सकता है कि आप और भी हायर लेवल्स ऑफ मेडिटेशन जो है वो करें और आपकी ज्ञान प्राप्ति हो, आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आपकी सातों चक्र जो है वो बैलेंस हो रही है धीरे धीरे।
आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बैलेंस कर पा रहे हो। बहुत आध्यात्मिक जगह पे जाने का संभावना मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, स्पेशली यज्ञ, अगर आपके मजहब के हिसाब से आप लोग देख लेना किस तरह से हो सकता है, बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अदर थिंग्स, बट मे बी आप कुछ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। उस यात्रा में आप सफलता ज़रूर हासिल करेंगे, चाहे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस के सिलसिले पे जा रहे हो, चाहे रिश्ता आया है, आप लड़की वाले के घर में जा रहे हैं, लड़का के घर में जा रहे हैं, ठीक है। किसी का भतीजा या भतीजी होने वाला है, मुझे इस तरह से दिख रहा है। ऑल राइट, व्हाट आई फाउंड लाइक दैट, इट्स लाइक द फोर ऑफ पेंटेकल सिचुएशन, जहाँ पे एक्सेसिव आपके पास आ रहा है और आप उसको किस तरह से सेविंग्स करोगे वो मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना पैसा हम करेंगे क्या क्या, हम री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में या हम फिर से उसको दूसरा जगह पे इन्वेस्ट करके सेविंग्स करेंगे, इस तरह से थोड़ा बहुत आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। कुछ लोग ज़मीन जायदाद को लेके, हो सकता है कि प्रॉपर्टीज़ जो मैटर है, वो जो डिस्प्यूट था, हो सकता है अपने घर वाले के साथ आपके, हो सकता है कि जैसे होता है ना पुश्तैनी ज़मीन को लेके कुछ इस तरह से था, विल में कुछ इस तरह से लिखा गया था, वो लेके प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो भी मैटर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपस में ही सेटलमेंट आप लोग कर लोगे। आई डू फाइंड यहाँ पे मुझे स्नेल दिखाई दे रहा है। स्नेल आपको पता है ना, स्नेल जो जनरली बहुत स्लोली चलता है और अपने ही शेल में रह जाता है। यहाँ पे देखो ममीज दिखाई दे रहा है, इजिप्शियन ममीज यहाँ पे देखो, कैन यू सी दैट इजिप्शियन ममी। सो आपको अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि आपको थ्रेट है, तो आप हमेशा ही लोकल एनफोर्समेंट जो पुलिस है उनको ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और मुझे ये भी दिख रहा है आपके अंदर जो टैलेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको उसको भी सेफ गार्ड करने चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपके घर में सिक्योरिटी और लॉकिंग सिस्टम्स भी रखें। मैं प्रैक्टिकली भी बोल रही हूँ और स्पिरिचुअली भी बोल रही हूँ, दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाओ। अगर आपको लग रहा है, बिकॉज इजिप्शियन ममीज जो होते थे वो प्रिजर्व करके रखा जाता था, ताकि माना जाता था कि आफ्टर लाइफ, ठीक है, सोल्स वहाँ पे एंटर करते हैं, आ जाते हैं उस बॉडी पे। सो आई डू बिलीव लाइक दैट कि इस तरह से घटनाएं हो सकती है कि आपके घर में आपके जो भी पूर्वज हैं उनका आना हो सकता है आपके घर में। वो शायद कुछ मैसेज आपके लिए सेंड कर सकते हैं। आपको प्रोटेक्शन हमेशा लेना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह का प्रोटेक्शंस होते हैं एज पर यू शुड टेक। अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें, अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सारे चीज़ों को अगर आप लोगों के सामने रख देते हो कि मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी फैमिली है, जिनको आप इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, फिर भी आप उनको बोले जा रहे हो, सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ द राइट थिंग टू डू दैट। आप थोड़ा सा अगर चुप रहेंगे उस मामले में, क्योंकि हम क्या है ना, किसी को मिलते हैं लगता है तो ऊपर से फ्रेंडली तो हम बोलते ही जाते हैं, वो सब चीज़ नहीं करना है आपको। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेप आज जो आया था वो था एक बर्ड, एक स्नेल और इजिप्शियन ममी। उसके साथ साथ बहुत कुछ यहाँ पे आ रहा है, एक एरो, एक डायरेक्शन, ठीक है, और ये फिर से पक्षी आया है यहाँ पे, उल्टा साइड से। डेफिनेटली किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, जोरदार का कम्युनिकेशन होगा और पूरी तरह से क्लैरिटी होगा आपको। आई डू फाइंड यहाँ पे देखो जैसे आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपने आप को, आप फ्री हो जाएंगे मेंटल टेंशन से, उतना मुझे 100% लग रहा है that you will be free of this mental tension, okay? Now let me clarify with the help of oracle cards. Oracle cards से clarify करते हैं।
वी डू हैव, यहाँ पे देखो शंख है इसके हाथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि स्नेल है, स्नो स्नेल का भी एक शेल होता है। लेटिंग गो, बैलेंस, सपोर्ट एंड सेक्रीफाइस, कभी कभी कुर्बानी देना पड़ता है अपने जिंदगी में कुछ लाभ करने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम भूल नहीं पाते हैं लेकिन हमारे मन को बहुत उदास कर देता है, लेकिन हमें वो भूलना पड़ता है, सारे इंसल्ट, सारे खराब सिचुएशन, लेकिन अच्छे सिचुएशन को तो हम भूल नहीं सकते। इसलिए हमेशा ही हमारे लाइफ में किसी को एक्सट्रीम चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हमेशा बैलेंस, मॉडरेशन, हमेशा सबके साथ समानता से पेश आने चाहिए। किसी को अगर आप ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो सो ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है कि वो आपके ऊपर सर चढ़ के बात करे। ओके ब्रिजिट, द बर्थ, ओके द रेडियंस, द सोल एम्पावरमेंट एंड पैशन, मैंने आपको यही कहा कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपके अंदर जो शक्ति है उभर कर आ रहा है और आप किसी भी चीज़ में बहुत ही अच्छा ब्राइटली उसके ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हैं। सो मे बी सम ऑफ यू कैन गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स भी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। द सेक्रेट ग्रोव, द नेचर, यहाँ पे पक्षी आया ही था तो यहाँ पे आया। एट रिन्यूअल, लॉन्जिविटी एंड प्रोटेक्शन, मैंने यही इसी का बात किया था कि आप देखो कि प्रोटेक्शन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। एंड अगर आपको सेल्फ प्रोटेक्शन की हम बात करें, खुद के अंदर वो हिम्मत लाओ कि लोग आपको कुछ बोले तो आप उससे जवाब देने से ज़्यादा साइलेंट रहने की भी कोशिश आपको करना चाहिए, क्योंकि जो इतना ज़्यादा साहसी है राइट, वो उतना ज़्यादा डरेगा नहीं। और आप रिएक्शन मत देना। द अदर वर्ल्ड, रीबर्थ जर्नी, एवर लास्टिंग एंड द एथेरियल, इसलिए रीबर्थ का यहाँ पे सिलसिला है, हम वहाँ पे इजिप्शियन मम्मी को देखे हैं। सो ऑफकोर्स री इनकारनेशन में भी ऐसा कोई पुनर्जन्म की घटनाएं आप एक्सपीरियंस करो या आपको कुछ याद आ जाए, ठीक है, और आप जान पाओ कि इस जन्म का जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं पे दूसरे जन्म से रिलेट है और उसके वजह से आप अपने जीवन का प्रॉब्लम को और आसान कर पाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव योर लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।